मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज सुल्तानपुर में भी मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां इस मौके पर पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं महिलाओं और बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के लिए आगामी 6 माह तक ये कार्यक्रम विभिन्न चरणों में चलाया जाएगा। इस दौरान समाज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं और बच्चियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खास बात ये रही कि IAS किंजल सिंह ने आप बीती सुनाकर महिलाओं और बच्चियों में जोश भर दिया। ऐसा समाज बनाना है, ऐसा राष्ट्र बनाना है, ऐसा विश्व बनाना है कि जिसमें हर बच्चा हर बच्ची बिना किसी भय के, बिना किसी दुख के, बिना किसी आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और आपने एक नारी की शक्ति के बारे में बताया है, उसके बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में प्रदेश के 75 जनपद में लेडी ऑफिसर्स को भेजा गया है। आज नवरात्र का पहला दिन है और उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, हम सभी अधिकारीगण इस समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि नारी पूजा के लिए है, नारी शक्ति का एक रूप है और हम सारे अधिकारीगण मिलकर एक मैसेज ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां आपके सिर्फ स्वाभिमान के लिए बेटी आपके लिए स्वाभिमान की बात है, भ्रूण हत्या जैसी इन चीज़ों में शामिल ना होगी और एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी बेटी आगे बढ़े। ये मैसेज लेके हर एक लेडी ऑफिसर 75 जनपदों में गई और जिला प्रशासन द्वारा ये विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बस यही कहूँगी कि जो 75 लेडी ऑफिसर CM साहब ने भेजी हैं, उससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब अपने जो अपने फैमिलीज में जो बेटियां थे, हमने उस खानदान का नाम रोशन किया और किसी भी बेटे से कम नहीं साबित हुए। तो एक मैसेज है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें आगे कर कि इसी तरह से अपनी बेटियों को पढ़ाइए और वो आपके लिए एक मैसेंजर के रूप में हो और समाज के लिए एक मैसेंजर के रूप में साबित हो। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था नारियों के सम्मान, सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सरकार ने पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा निर्णय लिया है, गांव-गांव में इसका अभियान चल रहा है, जनपद से एक इसका अच्छा संदेश जाए और लोगों को नारियों के सम्मान में सब काम करें। इसी निवर्तन आज बैठक बुलाई गई है और घर जगह टोली भेजी जा रही है, सबको आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। महिलाओं का सम्मान किया जाए, महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में इनको आगे बढ़ाया जाए, यही आज का एक कार्यक्रम था। ये जैसा कि हमने बैठक में भी डिस्कस किया था, ये एक लगभग 6 महीने का कार्यक्रम है जिसमें महिला एवं बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनकी जागरूकता का एक सम्यक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से महिला कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और बहुत सारे अन्य जो शासकीय विभाग हैं उनके समन्वय से महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे और ये स्पेल्स में चलेंगे। तो उसका ये पहला स्पेल है जो कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज इसका उद्घाटन हुआ है और ये पहला स्पेल विजयदशमी तक चलेगा। उसके बाद प्रत्येक महीने ये छोटे छोटे 6-7 दिन के या 10 दिन के स्पेल में चलेगा। आज यहाँ पर उसका हमारे शुभारम्भ माननीय विधायक जी और एक बहुत ही स्वयं में महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति कहा जाएगा माननीय किंजल सिंह मैडम जो कि निदेशक पंचायती राज हैं, उनके साथ यहाँ पर किया गया। उनकी जो कहानी है उससे सभी जानते हैं और आज यहाँ पर सभी जो यहाँ महिला शक्ति हमारी, अच्छा कार्य करने वाली पुलिसकर्मी, अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, जो हमारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाए हैं और अन्य प्रकार के अचीवर आइकन्स, उनको आज सम्मानित किया गया और एक बहुत ही अच्छी महिला आइकन को आज उन्हें सुनने को मिला। तो ये एक कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। जैसा कि मैंने कार्यक्रम में भी कहा था, यहाँ की प्रोबेशन की टीम और पुलिस की टीम का समन्वय जो मैंने देखा है अभी तक जितने जनपद मैंने देखे हैं वहाँ से सबसे अच्छा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे अभियान में उस तारतम्य को, उस सहजता को और बढ़ाया जाएगा और हम और अच्छा कार्य कर पाएंगे। सुल्तानपुर से KKD News संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर में आज त्योहारों के मद्देनजर डीएमएसपी ने शराब और असलहों की दुकानों समेत कई अन्य दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उसके नियमों के पालन का भी निर्देश दिया। आपको बताते चलें कि डीएम रवीश गुप्ता और एसपी शिवहरि मीणा आज दोपहर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने असलहों और शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और उनके मालिकान को दिशा निर्देश दिए। आज ये इन जनरल क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, एक तरह की परंपरागत रूप से भी भीड़ लग सकती है, इसके लिए थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल क्योंकि है तो उसकी जो अनुपालन हमें कराना है उसमें और सजगता चाहिए। दूसरा है कि त्यौहारों में थोड़ा बहुत ये आबकारी विभाग का भी चेकिंग का रोल बढ़ जाता है क्योंकि कई बार स्प्यूरियस लिकर की समस्या होती है, इसकी भी हम टीम लगाकर के शुभारंभ कराए हैं, पर इसके लिए था कि मैंने और कप्तान साहब ने इसीलिए लिकर की दुकानें चेक करी। तीसरा जो हमारा है कि असलहे विस्फोटक का भी कुछ रहता है रोल, इसलिए आज असलहे की दुकान चेक की गई और आगे भी त्यौहार के पूरे इस पीरियड में चेकिंग करते रहेंगे और आज एक स्टार्ट था, इसके बाद हम और औचक तरीके से भी इसको चेक करेंगे। जो नवरात्रा हैं उसके दौरान सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि मार्केटों को थोड़ा सा घेरे नहीं, रोड को एक इंद्रधनुष अभियान के तहत हम लोग हम जिलाधिकारी महोदय निकले हैं और निश्चित रूप से आगामी त्योहारों को सुरक्षित और साथ ही साथ स्वस्थ वर्धक वातावरण में हम लोग मनाएं, यही अनशोर करने के लिए हम लोग मिले। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।